हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, हम लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं, हमारी गर्मी की छुट्टी समाप्त हो गई, कोई परेशानी नहीं हुआ। अभी तो केवल टाइमिंग में बदलाव हुआ है। आगे 5 बजे से बोलेगी 5 बजे आ जाएंगे। कितने बजे सुबह में उठना पड़ेगा? अभी छोड़िए ना, हम रात भर सोते हैं कि नहीं सोते हैं इससे आपको क्या मतलब है। हम को सरकार ने 6 बजे यहाँ स्कूल में उपस्थित रहने के लिए बोला है, 5:45 में आ जाते हैं। कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को नाश्ता भी बना के नहीं दे पा रहे हैं, भूखे पेट भेज रहे हैं बच्चों को। हम क्या बोलें, हमें 10 बजे खाना देना है, 10 बजे हम खाना भी दे देते हैं और 7:45 के बीच तक सब प्रेजेंट हो जाते हैं। स्टूडेंट को भी परेशानी होता होगा सुबह में आने, उनके पेरेंट्स भी परेशान होते होंगे। हाँ, मॉर्निंग में निकलना होता होगा तो पेरेंट्स परेशान होते होंगे क्योंकि उनको जगाना, नाश्ता वगैरह करना ये सब ज़रूरी है। उनको तो पहले वाला टाइमिंग ही बहुत अच्छा लगता था, रिलैक्स होके आते थे, पढ़ते अच्छे से थे, पढ़ाई बड़ी अच्छी होती थी तब, क्योंकि तब हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होता था। पढ़ाई अच्छी से नहीं होती है, बच्चे भी टाइमिंग जो अलग अलग हो रहा है इससे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ओपिनियन रहता है उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भुवनेश्वर, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। सरकारी स्कूल के जो टाइमिंग में बदलाव हुआ है उससे कई प्रकार का समस्या अब खुलकर सामने आने लगा है। शिक्षक भी परेशान है तो जो स्टूडेंट है वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ सरकारी स्कूल के कुछ शिक्षक हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर? असीम कुमार मिश्रा। कितने परेशानी हो रही है स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया? हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, हम लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं, हमारी गर्मी की छुट्टी समाप्त हो गई, कोई परेशानी नहीं हुआ। अभी तो केवल टाइमिंग में बदलाव हुआ है। मतलब ये तंज है या असल में परेशानी वो नहीं है? वो आप समझिए। हम लोग इस मामले नौकर है, नौकर की तरह है। सरकार बोली 6 बजे से आने के लिए, आगे 5 बजे से बोलेगी 5 बजे आ जाएंगे। कितने बजे सुबह में उठना पड़ेगा? अब ये छोड़िए ना, हम रात भर सोते हैं कि नहीं सोते हैं इससे आपको क्या मतलब है। हम को सरकार ने 6 बजे यहाँ स्कूल में उपस्थित रहने के लिए बोला है, 5:45 में आ जाते हैं। स्टूडेंट के बीच में क्या फीडबैक स्टूडेंट से मिल रहा है? वो भी परेशान है। स्कूल के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को नाश्ता भी बना के नहीं दे पा रहे हैं, भूखे पेट भेज रहे हैं बच्चों को। हम क्या बोलें, हमें 10 बजे खाना देना है, 10 बजे हम खाना भी दे देते हैं, उतने देर में हमारे विद्यालय में खाना बन जाता है। स्टूडेंट को पढ़ने में मन लग रहा है? अब तो स्टूडेंट से आपको पूछना चाहिए, स्कूल टाइम में आप आ जाइए, कल 12 बजे के पहले आपको स्टूडेंट से उसका फीडबैक मिल जाएगा। तो आपको स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, आपसे तो बातचीत कर रहे हैं? हमारे से क्या बोलेंगे, आज भी प्रार्थना के समय भी 2 बच्चियों को चक्कर आया, हम लोग बैठाए, नींबू पानी पिलाए, चीनी का शरबत पिलाए, और क्या कर सकते हैं। 10 बजे खाना देंगे बन जाएगा। तो इसका जो आप लोग का फीडबैक हो सरकार के पास जा रहा है, शिक्षा विभाग में जा रहा है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो आज 6-10 में लोग यहाँ आ गए हैं, उनके सामने बच्ची को हम शरबत पिला रहे थे। कुछ आश्वासन दिया? अब वो भी बेचारे डीओ ऑफिस के बड़ा बाबू हैं तो वो क्या आश्वासन देंगे। तो इसलिए इस मामले में सरकार को अपना निर्णय, फुल फ्लेजेड जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, उनके निर्णय को हम क्यों गलत कर देंगे। विधायिका वो हैं, वो विधायिका और वो नियम बनाती हैं, तो फिर उसको हम नहीं कर सकते हैं। नौकर हैं हम, हमको नौकर की तरह ही रहना चाहिए। लोकसभा का चुनाव है, कोई असर आप लोग के तरफ से इस पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों के द्वारा, हम सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हैं, हमारे यहाँ के सारे टीचर BLO भी हैं, तो उनको यहाँ के बाद वो भी काम करना है, करना पड़ता है, करना पड़ेगा। 6 बजे से स्कूलों का टाइमिंग कर दिया गया है, कितना परेशानी हो रहा है? सुबह जल्दी आना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है। कितना बजे होता है? 3:30-4। 3:30-4 बजे। और छुट्टी कितना बजे होता है? छुट्टी 1:30 बजे होगा, फिर इलेक्शन का काम है। इलेक्शन के काम कितने बजे तक? 4 बजे तक। 4 बजे से फिर 12 घंटा के ड्यूटी होगी। 100% परेशान है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन भी है ना, तो इलेक्शन का काम भी उतना ही ज़रूरी है। स्टूडेंट कितने बजे आ जाते हैं? स्टूडेंट 6:30 और 7:45 के बीच तक सब प्रेजेंट हो जाते हैं। स्टूडेंट को भी परेशानी होता होगा सुबह में आने, उनके पेरेंट्स भी परेशान होते होंगे। हाँ, मॉर्निंग में निकलना होता होगा तो पेरेंट्स परेशान होते होंगे क्योंकि उनको जगाना, नाश्ता वगैरह करना ये सब ज़रूरी है।
स्टूडेंट स्कूल आने के बाद पढ़ाई में मन लगता है, सुबह में स्कूल आते हैं? पढ़ते तो है क्योंकि हम पढ़ाते हैं, पढ़ेंगे जरूर, पर भूख लगती है उन्हें, और लंच है 10 बजे, तब तक काफ़ी भूखे हो जाते हैं छोटे बच्चे। स्टूडेंट का क्या फीडबैक है? उनको तो पहले वाला टाइमिंग ही बहुत अच्छा लगता था, रिलैक्स होके आते थे, पढ़ते अच्छे से थे, पढ़ाई बड़ी अच्छी होती थी तब, क्योंकि तब हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होता था। पढ़ाई अच्छी से नहीं होती है, बच्चे भी टाइमिंग जो अलग अलग हो रहा है, इससे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ओपिनियन रहता है उनका। आप चाहते हैं कि टाइमिंग पहले जैसा फिर से हो जाए? मेरे चाहने से क्या होगा, हाँ शायद अगर होना होगा तो हो जाएगा।